जय हिंद साथियों। लेखपाल का एग्जाम होने वाला है तो ग्राम समाज और विकास के प्रत्येक चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे उसकी हमने एक सीरीज चलाई है, जिसमें आज हम देखेंगे पांचवें चैप्टर का ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, यानी कि पांचवा चैप्टर। चार चैप्टर के हमने देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख सकते हैं। सब छठे छठाए प्रश्न हैं साथियों। आज हमारा पांचवा चैप्टर है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने लायक है परीक्षा में, आइए देखते हैं। पहला है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा साथियों मुख्यतः किस पर निर्भर है, आपका उत्तर सही हो जाएगा सरकारी अस्पताल पर। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ साथियों सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में जो है दवाइयाँ दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे लाभप्रद इकाई क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसमें सबसे लाभप्रद इकाई क्या है साथियों? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाएं जो हैं ये लाभप्रद इकाई है ग्रामीण के लिए। ठीक, तो साथियों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, उससे बाद केवल मैं उत्तर बताता चलता हूँ। ठीक, अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? तो तीसरा प्रश्न क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी साथियों? तो ये किया था आपका 15 अगस्त 2020 में। कब? 15 अगस्त 2020 में। ये प्रश्न काफ़ी आ सकता है क्योंकि अभी भी सरकार भी चल रही है इन्हीं लोगों की, तो जो ये योजनाएं लेकर आए हैं इन योजनाओं में से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाएंगे। ठीक, ये सबके सरकार में, तो जिसकी सरकार रहती है उसी से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? 15 अगस्त 2020 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत कब हुई साथियों? तो आपका उत्तर सही जाएगा 28 फरवरी 2019 को। कब? 28 फरवरी 2019 को। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को कब अनुमोदित किया गया? आयुष्मान भारत के अंतर्गत, आयुष्मान भारत योजना जो चली थी उसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना कब अनुमोदित किया गया? तो ये किया गया आपका 21 मार्च 2018 को। ठीक, अगला प्रश्न है, माँ कार्यक्रम, माँ MAA इक्वल मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2016 में प्रारंभ किया गया? प्रश्न ये भी आ सकता है कि माँ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो अगस्त 2016 में प्रारंभ किया गया। किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में टीके मास्क्यूरिक्स, क्या साथियों? मास्क्यूरिक्स को WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, यह किस बीमारी के इलाज में सहायक है? तो मास्क्यूटो मतलब क्या होता है, मच्छर तूसी से मास्क्यूरिक्स जो है बनाया गया है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा मलेरिया, मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आरंभ 23 सितंबर 2018 से किस राज्य से हुआ? क्या साथियों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को। किस राज्य में सबसे पहले हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झारखंड में इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई। ठीक, अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु मतलब चिकित्सा और सुविधा कितने रुपए तक प्रदान की जाएगी? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, 5 लाख तक का। ठीक, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधाएं दी जाएगी चिकित्सा। अगला प्रश्न देखिए, तो वीडियो साथियों लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जिनका भी सिलेक्शन होना है लेखपाल में, ताकि वो भी पढ़ लें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और लाइक शेयर कर दें, आपका करंट के रूप में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, खुद को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया? कौन सा अभियान? ऑपरेशन नमस्ते अभियान, तो ये आपका किया गया था भारतीय सेना द्वारा। ठीक, भारतीय सेना द्वारा आरंभ किया गया था।
अगला प्रश्न है साथियों, भारत में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये आपका चलाया गया था साथियों वंदे भारत मिशन चलाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है मिशन सागर संबंधित है, मिशन सागर किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, मालदीव, सेशेल्स तथा मेडागास्कर देशों को मदद देने से, ठीक। इन देशों को मदद देने से मिशन सागर योजना, ये मिशन सागर संबंधित है, ठीक है। इनको ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाना, दवाइयां ये सब पहुंचाने में यही सब योजना चलाई गई थी, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है कोविड-19 के बचाव के लिए भारत ने किस अभियान या मिशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ भेजा था? 6.2 टन साथियों आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ भेजी गई थी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑपरेशन संजीवनी के तहत, क्या? ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ भेजी गई थी साथियों, ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु ऑपरेशन सील्ड अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रारंभ किया था? कौन सा अभियान? ऑपरेशन शील्ड, तो ये आपका किया था केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अपनी राजधानी दिल्ली ने जो है इसको चालू किया था। अगला प्रश्न है आपका कोविड-19 से बचाव के लिए ब्रेक द चेन अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो आपका ब्रेक द चेन अभियान साथियों प्रारंभ किया था केरल ने, कौन से राज्य ने? केरल ने प्रारंभ किया था। और ऑपरेशन शील्ड किसने प्रारंभ किया था? दिल्ली ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कोरोना कवच ऐप, ये एक ऐप बनाया गया था कोरोना काल के दौरान, कोरोना कवच ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोरोना कवच ऐप जारी किया था। अगला प्रश्न है कोविड-19 संक्रमण के दौरान नाड़ी, कौन सा साथियों? नाड़ी ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया था? तो नाड़ी ऐप साथियों आपका लॉन्च किया था किसने? पुदुचेरी ने, क्या साथियों? पुदुचेरी ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, तो पुदुचेरी ने लॉन्च किया था नाड़ी ऐप कोविड-19 के दौरान। अगला प्रश्न है कोविड-19 संक्रमण के दौरान कोविड केयर ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है जारी लॉन्च किया था? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी जितने भी ऐप हैं साथियों ये सभी इम्पॉर्टेंट परीक्षा में आ जाएंगे, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? कोविड केयर ऐप। अगला प्रश्न है कोविड-19 संक्रमण के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य ने N-COVID-19 ऐप लॉन्च किया था? N-COVID-19 ऐप लॉन्च किया था, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा नागालैंड ने, तो N से नागालैंड और N से N-COVID-19, तो इसको आप रख सकते हैं N से नागालैंड, N से N-COVID-19। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की थी साथियों? तो ये आपका हुआ था 27 सितंबर 2021 को, कब? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरुआत हुआ था इसकी। अगला प्रश्न देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत दिया जाने वाला स्वास्थ्य खाता नंबर और हेल्थ कार्ड कितने अंक का होगा? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 14 अंक का साथियों, कितने? 14 अंक का होगा, आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं उसी प्रकार उसमें 14 अंक होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को माडनी की कोविड-19 वैक्सीन के आविष्कारक में प्राथमिक योगदानकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो कौन है साथियों? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मिहिर मेटकर। अगला प्रश्न, जून 2021 में कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कितने रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी? तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 62,893 करोड़, कितना साथियों? यानी कि 6,28,993 करोड़ रुपए का पैकेज प्रोत्साहन किया था, 6,28,993, ठीक, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए
जून 2021 में ऋण गारंटी योजना, क्या साथियों, ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई। इस योजना के लिए आवंटित राशि थी, इस योजना के लिए आवंटित राशि क्या थी, तो ये आपका है 1,00,000 करोड़। कितना? 1,00,000 करोड़ रुपए जो है ये ऋण गारंटी योजना के तहत बांटे जाने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने जो है घोषणा की थी वित्त में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो ये आपका कर दिया गया 16.5 लाख करोड़। कितना? 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका साथियों, तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है, उसमें मैंने इसका पीडीएफ भी डाल दिया है, और आपको अन्य वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर देखें। हिंदी की बेहतरीन वीडियो जो आपको लेखपाल में पूछा जाएगा वो भी आप जाकर देख सकते प्लेलिस्ट से। तो अगला प्रश्न है साथियों, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो ये आपका जो है वित्त के दौरान, कोविड के दौरान वित्त आयोग, पहला ऑप्शन कोविड के दौरान वित्त आयोग, ये शीर्षक था क्या 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, और नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।